बहुत अच्छी थी, एंजॉय किया बराबर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया सी, ठीक थी, बढ़िया थी मैम, बहुत अच्छी फिल्म थी। Hey, hi, hello, namaste, sat shri akal, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त नव्या बेरी, एंड गाइस टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउसफुल 4। इट्स दिवाली वीकेंड और एक बार फिर से अक्षय कुमार ने बाजी मार ली है। द फोर्थ एडिशन टू द हाउसफुल फ्रेंचाइज, दिस फिल्म इंश्योर्स दैट इट टेक्स इट्स ब्रांड ऑफ ह्यूमर फॉरवर्ड, एक्चुअली नॉट इवन फॉरवर्ड, क्योंकि इस फिल्म के अंदर सभी रिवर्स गियर मार के 600 ईयर्स पीछे जा रहे हैं इन द 15th सेंचुरी। जो कांड हमने 600 साल पहले किया था शायद हम फिर से वही करने जा रहे हैं। This film is about three couples जिनकी प्रेम कहानियां, जिनकी love stories अधूरी रह जाती हैं। Their love stories remain unfinished, इसलिए उनका पुनर्जन्म होता है ताकि वो अपनी इस अधूरी प्रेम कहानी को पूरा कर सकें। Reincarnated in 2019, they meet again, but with a twist. क्योंकि अब उनकी पेयरिंग्स जो हैं वो मिक्स्ड हो चुकी हैं। इसकी बीवी जो है ना वो इसकी बीवी नहीं है, वो तेरी बीवी है, और मेरी बीवी नहीं है, वो इसकी बीवी है। नाउ इन दिस पुनर्जन्म हैरी यानी कि अक्षय कुमार, मैक्स यानी कि बॉबी देओल, और रॉय यानी कि रितेश देशमुख आर ब्रदर्स, एंड दे प्लान टू मैरी कृति नेहा एंड पूजा यानी कि कृति सैनन, कृति खरबंदा एंड पूजा हेगड़े, जो कि लंदन के बिलियनर बाप यानी कि ठकराल प्लेड बाय रंजीत की बेटियां हैं, सो दैट दीस three brothers can pay off the loot money of mafia don Michael. Now here destiny plays its part. Shaadi decide ho jati hai aur shaadi ka venue final kiya jata hai Sitamgarh, where Akshay Kumar yani ki Harry meets Akhri Pasta, aur Akhri Pasta se milke usse apna sara past yaad aa jata hai, usse ye pata chal jata hai ki wo pichle janam mein tha Rajkumar Bala. Tumhara to punarjanam hua hai. Mera Pune mein hi janm hua hai. पूरा नहीं, पुनर्जन्म हुआ है। अब क्या जो पेयरिंग्स हैं वो मिक्स्ड से फिक्स्ड होंगी, और क्या सभी को अक्षय कुमार के साथ साथ याद आ जाएगा कि उनका पिछला जन्म क्या था, ये सब तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। सो विद दिस मेन कोर प्लॉट पॉइंट इन हैंड, हाउसफुल 4 टेक्स ऑफ। सो नाउ ऑफ कोर्स दिस मिशन टू सेट थिंग्स राइट लीड्स टू अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, द कैरेक्टर्स स्प्रिंग इन एंड आउट फ्रॉम देयर पास्ट लाइफ टू प्रेजेंट। There are scenes with mindless humor and portions that drag. Out of all the other actresses, Kriti Sanon has the most scenes in the film and she pulls it off really well. On the other hand, Kriti Kharbanda and Pooja Hegde have limited screen time. Riteish Deshmukh gets the quirks of his character really well and he makes us all laugh. Phoolo phalo, are phoolo phalo. अरे कोने में तो चलो। It was a treat to watch Bobby Deol after a very long time on the screen. सितमगढ़ का शाही कवच है वो। अक्षय कुमार shines in most of the scenes, getting the comic timing right. Nawazuddin Siddiqui, Johnny Liver, Chunky Pandey, and Rana Daggubati also add humor to the film. So yes, needless to say, I don't need to say this, but फिर भी मैं ये सबसे कह रही हूँ कि don't expect Houseful 4 to be logical, don't go looking for logic in this film. And yes, if you're a Houseful franchise fan, तो definitely आप सभी को ये फिल्म पसंद आएगी। Well, ये तो थी मेरी राय इस फिल्म पे, अब चलते हैं लोगों के पास और पूछते हैं उनसे कि उन्हें कैसी लगी फिल्म Houseful 4, यानी कि it's time for our public reviews. कैसी लगी फिल्म? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सी, गुड, इट्स ओके मैम, बहुत अच्छी थी, एंजॉय किया बराबर, बहुत नाइस सी, बढ़िया, मस्त, ऑसम, अच्छी थी मैम, बहुत अच्छी फिल्म थी, अच्छी थी मैम, ऑसम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी थी, अच्छी थी, बहुत बढ़िया, ऑसम, सही है, बढ़िया बढ़िया, अच्छी है, ठीक थी, बढ़िया थी, ऑसम, अच्छी थी, चार, पाँच में से साढ़े तीन, तीन साढ़े तीन, फोर, अक्षय कुमार, अक्षय कुमार, अक्षय कुमार। मैं इस फिल्म को दूंगी 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। अगली बार फिर मिलूंगी एक नई मूवी के मसालेदार रिव्यूज के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, थैंक यू।